लिवर या कि यकृत हमारे शरीर में उपस्थित एक महत्वपूर्ण अंग है जो कि हमारे शरीर के कई सारे जो काम काज है ठीक ढंग से चलते रहे उसके लिए बहुत सहायता करता है। जैसे कि अगर आपका लिवर ठीक ढंग से काम ना करे तो आपका डाइजेशन बिगड़ सकता है, यानी लिवर आपका डाइजेशन बेहतर करने में मदद करता है, चयापचय की क्षमता यानी मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, आपके ब्लड स्ट्रीम में उपस्थित जो भी टॉक्सिन्स हैं उसको एलिमिनेट करने में यानी बॉडी को डिटॉक्स करने में भी, आपके ब्लड को डिटॉक्स करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को नियंत्रित करता है। तो जो भी लोग डायबिटीज से पीड़ित है उनको लिवर का स्वस्थ होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम अभ्यास करेंगे बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव आसनों के अभ्यास और प्राणायाम का अभ्यास, जिसकी मदद से हमारा लिवर होगा स्वस्थ और इसके फंक्शन को हम करेंगे इम्प्रूव। तो अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो आइए आप करते हैं योगासनों का अभ्यास। आरामदायक किसी आसन में बैठ जाएं, जैसे कि मैं अभी सुखासन में बैठी हुई हूँ पालती मार के। अब आप उंगलियों को इस तरीके से फंसाएं और दोनों हाथों को ऐसे छत की तरफ टर्न कर दें, धीरे 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 ऐसे। जब आप छत की तरफ ऐसे हाथ को उठाएंगे तो आपके दोनों बाजू जो हैं वो कान के पास आ गए हैं। अब इन हाथों को थोड़ा सा और छत की तरफ ऐसे खींचना है जिससे कि आपकी पूरी की पूरी पेट की मांसपेशियाँ खींचे। जी हाँ, इस तरीके से जब आप हाथ को छत की तरफ खींचेंगे 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 तो आपकी एब्डोमिनल मसल्स पे बहुत अच्छा खिंचाव आएगा जिससे कि लिवर के आसपास की मसल्स भी खींचेंगी। और ना सिर्फ लिवर बल्कि अभी जब हम आगे आसनों का अभ्यास करेंगे उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड पे कोई टेंशन ना हो, शोल्डर पर कोई टेंशन ना हो। 5 4 3 2 1 अब हम वापस से दोनों हाथों को छत की तरफ ऐसे खींचेंगे, धीरे धीरे धीरे। सांसें नॉर्मल रखिए, अभी जब सांसों को लेना और छोड़ना होगा तो मैं आपको बताऊंगी। हाथ को खींचिए छत की तरफ और खींचिए और खींचिए और खींचिए। और खींचने के बाद आप क्या करेंगे, अब अपने लेफ्ट हाथ को छोड़ा वहाँ से, पहले लेंथनिंग कर ली स्पाइन की और फिर इसको मैट पर रखा इस तरीके से, और राइट हाथ की हथेली को फ्लोर की तरफ टर्न करके धीरे 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 आप ऐसे लेफ्ट साइड बेंड हो रहे हैं, लेफ्ट एल्बो भी बेंड हो रही है और ऐसे पूरी राइट साइड की बॉडी पर जो खिंचाव आ रहा है इसको महसूस करें। चेहरे को घुमा दे छत की तरफ, छाती पूरी ओपन रहे, ऐसे ब्रीथ करें। 5 4 3 2 1 ये अभ्यास हो गया। सांसों को सिंक्रोनाइज करके कैसे अभ्यास करेंगे, सांस लेंगे, सांस ले लिया और सांस लेने के बाद सांस छोड़ते हुए लेफ्ट पाम को मैट पर रखा और बेंड हो गए लेफ्ट साइड, एक्सपेंशन ऑन योर राइट, कॉन्ट्रैक्शन ऑन योर लेफ्ट। सांसों को रोका, फिर सांस ले लिया, दोनों हाथों को छत की तरफ खींचा और सांस छोड़ दिया। सांस छोड़ते 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 बेंड हो गए, सांसों को रोका। 1 2 3 4 5 फिर सांस ले लिया, टर्न योर पाम्स अप टुवर्ड द सीलिंग, स्ट्रेच किया और फिर रिलीज कर दिया। तो इस तरीके का अभ्यास 5 से 7 बार आप कर लेंगे तो पूरे पेट पर गजब का खिंचाव आएगा जिससे कि सारे इंटरनल ऑर्गन्स के साथ साथ हमारे लिवर का भी फंक्शन इम्प्रूव होगा। अब हम अभ्यास कर रहे हैं अगले आसन का जिसका नाम है भू नमन आसन। नाम से ही पता चल रहा है कि आपको बो डाउन करना है फ्लोर को। तो आपको सिंपल दोनों पैरों को ऐसे बॉडी के सामने स्ट्रेच कर लेना। अभी काफ़ी देर से बैठे हुए थे पालथी मार के, अब दोनों पैरों को बॉडी के सामने स्ट्रेच कर लें, अपनी एड़ी को और अंगूठे को जोड़ के रखें। और अगर ऐसा है कि पैरों को जोड़ने में दिक्कत आ रही है तो थोड़ा सा फासला करने में देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद दोनों हाथों को छत की तरफ खींचिए इस तरीके से, और फिर उसके बाद टर्न हो जाइए राइट साइड और दोनों हाथों को ऐसे फ्लोर पर रखने के बाद ऐसे बो डाउन हो, सांस लें और सांस छोड़ते हुए ऐसे बो डाउन हो, दोनों तरफ सांस लें और सांस छोड़ते हुए बो डाउन, सांस लें और सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ ऐसा, सांस लें
और सांस छोड़ते हुए ऐसा, सांस लें और सांस छोड़ते हुए ऐसा। तो आपको राइट और लेफ्ट दोनों साइड ही अभ्यास करना है। कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं जनरली, ये देखें, ऐसे सांस लिया और सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ ऐसे झुकते हैं, इस तरीके से सांस लिया और ऐसे साइड में झुक गए। तो ध्यान रखिएगा कि आपका हाथ घुटने और ऐसे हिप के पास ऐसे ना रहे, बल्कि आप थोड़ा सा पीछे की तरफ ऐसे ट्विस्ट कर रहे हैं, इस तरीके से ट्विस्ट ज़रूर कर रहे हैं, तब बो डाउन कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि दोनों साइड पेट पर बहुत अच्छा एक स्पाइनल ट्विस्ट आ रहा है, तो जिससे कि स्पाइन हेल्दी हो गई, पेट पर ट्विस्ट आ रहा है जिससे कि सारे आंतरिक अंगों पर इसका अच्छा खासा इफेक्ट हुआ। कितनी बार करना है, 10 से 15 बार दोनों साइड कर लें। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा कंडक्ट की जाने वाली 1 घंटे की लाइव ऑनलाइन योगा क्लासेस में। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस में हम हर दिन अलग अलग तरीके के आसनों का अभ्यास सीखते हैं, प्राणायाम का अभ्यास सीखते हैं, ध्यान कैसे करते हैं। और एक बात और बताऊं, मेरी जो एग्जिस्टिंग क्लासेस में स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत सारी हेल्थ कंडीशन थी, जैसे कि डायबिटीज़, थायराइड, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, जॉइंट में पेन, PCOD, PCOS की समस्या, पीरियड जो है इररेगुलर थे, वेट मैनेजमेंट में बड़ी दिक्कत आ रही थी, अत्यधिक तनाव से ग्रसित थे, उनको अपनी हेल्थ कंडीशन से उभरने में बहुत मदद मिली है। तो अगर आप किसी हेल्थ कंडीशन से ऐसे गुजर रहे हैं तो ये क्लासेस आपको बहुत मदद करने वाली है। और अगर कोई हेल्थ कंडीशन नहीं है, आप अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करना चाहते हैं, अपना स्टैमिना इंप्रूव करना चाहते हैं, यू शुड एंड यू मस्ट ज्वाइन दीज ऑनलाइन योगा क्लासेस। अब अगर ये क्लासेस किसी कारण से आप लाइव नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो मैंने कुछ रिकॉर्डेड सेशंस जो हैं वो बनाए हुए हैं। इन रिकॉर्डेड सेशन को आप मेरी वेबसाइट पर एक्सेस कर सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव वहाँ पर अवेलेबल है, YouTube पर बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। ये भी 1 घंटे के रिकॉर्डेड सेशन है। अब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ये होती है कि आप दिन में कभी भी जब आपको वक्त मिले इन वीडियोस को प्ले करिए और अपनी जो प्रैक्टिस है उसको शुरू कीजिए। है ना कितना आसान, अपने घर के ही कंफर्ट जोन में रह के या तो आप लाइव क्लासेस कर सकते हैं या आप रिकॉर्डेड सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये रिकॉर्डेड सेशन और लाइव सेशन के बारे में और जानकारी, तो मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट शेयर की है जो कि है www.yogawithshahida.com, या कि फिर यहाँ पर मैंने ये WhatsApp नंबर शेयर किया है। इस WhatsApp नंबर पर एक WhatsApp करेंगे ना तो आपको क्लास और कोर्स के बारे में सारी जानकारी तत्काल भेज दी जाएगी। अब हम बढ़ रहे हैं अगले आसन के अभ्यास की तरफ जिसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। नाम से ही पता चल रहा है, पश्चिम मीन्स पीछे की सारी मांसपेशियां, उत्तान मीन्स उसको स्ट्रेच करना, पश्चिमोत्तान आसन का अभ्यास करने के लिए दोनों पैरों को बॉडी के सामने स्ट्रेच करके बैठेंगे। उसके बाद धीरे से दोनों हाथों को छत की तरफ खींचेंगे, इस तरीके से थोड़ा सा पीछे की तरफ झुकेंगे ताकि पेट की मांसपेशियां जो हैं वो खिंच जाएं अच्छी तरीके से, स्पाइनल कॉर्ड लेंथन हो जाए। सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 ऐसे अपने हाथ को जितना आगे की तरफ खींच सकते हैं खींचे, स्पाइन को सीधा रखें, लोअर बैक से खिंचाव को महसूस करें, अपनी एड़ी और अंगूठे को जोड़ के रखें, अपने टो को ग्रैब करें और अपने माथे को घुटने की तरफ इस तरीके से ऐसे पुश करें, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर सांस लेते हुए हाथों को छत की तरफ खींचे, सांस लें, सांस छोड़ें, 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 सांसों को रोकें, 5, 4, 3, 2, 1। फिर सांस ले लें। यहाँ पर 5 सेकंड के लिए जब हम रुक रहे थे तो सांसों को रोक रहे थे, और अगर आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है, सांसों को रोकना नहीं है, तो फिर आप आराम से इसको 10 सेकंड से 30 सेकंड भी रोक सकते हैं। ऐसे नॉर्मल ब्रीदिंग की, सांस लिया और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ हाथ को खींचा और हेड को डाउन कर दिया और होल्ड करके रखें, ब्रीदिंग करते रहें, ब्रीदिंग करते रहें। इससे पेट पर बड़ा अच्छा एक दबाव आ रहा है आपके, जो कि आपके सारे आंतरिक अंगों को बहुत अच्छी तरीके से मसाज करेगा। अब बहुत से लोगों का प्रॉब्लम यह होता है कि अपने टो को नहीं पकड़ पाते हैं क्योंकि लोअर बैक बहुत ज़्यादा स्टिफ है, तो आप क्या करें कि हाथ जहाँ तक पहुँचे आपका, मान लीजिए यहाँ तक पहुँच रहा है, यहाँ तक पहुँच रहा है, फिर भी आपकी लोअर बैक खींच रही है और आपके पेट पर बहुत अच्छा दबाव पड़ेगा ही पड़ेगा, ऐसा
अगर आपको एक छोटा सा यहाँ पे मैं ट्रिक बताऊं तो वो ये है, पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करने के लिए दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ा और दोनों पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लिया, और अंगूठों को पकड़ने के बाद फिर क्या करें, ऐसे 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 एड़ी को बाहर ले जाते जाएं। और मान लीजिए यहाँ पर अभी भी इतना गैप है लेकिन फिर भी पेट पर दबाव पड़ रहा है और पीठ पर दबाव पड़ रहा है, पैरों के पीछे दबाव पड़ रहा है, होल्ड करें यहाँ पे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि पैर हल्का 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 आपका नीचे आता जा रहा है, फिर उसके बाद आप आसानी से पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास कर सकते हैं। अब यहाँ पर कई बार गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। क्या गलतियाँ होती हैं कि स्पाइन को क्या करेंगे ना, ऐसे राउंडेड कर लेंगे, ऐसे गोल गोल कर लेंगे और खींचने की कोशिश करेंगे ऐसे 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 कि किसी भी तरीके से अंगूठा पकड़ लें, लेकिन जब फ्लेक्सिबिलिटी है नहीं तो अंगूठा कहाँ से पकड़ेंगे आप। तो स्पाइन को आपको करना है इरेक्ट। मैंने जैसे पहले बताया, हाथ नहीं पहुँच रहा है तो कोई बात नहीं, एक दिन तो हाथ पहुँच जाएगा ना, अभी तो आपने अभ्यास शुरुआत की है, तो हाथ जहाँ तक पहुँचे स्पाइन सीधा रखें और आगे जाते जाएं ऐसे। स्पाइन को कभी भी ऐसे राउंडेड ना करें, स्पाइन को सीधा रखें। तो ये हो गई गलतियाँ। अब बढ़ते हैं अगले अभ्यास की तरफ जिसका नाम है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो किस तरीके से करेंगे इसका अभ्यास ज़रा देखिए। अपने दोनों पैरों को वापस से ऐसे स्ट्रेच कर लिया और स्ट्रेच करने के बाद अपने पैरों को ऐसे क्रॉस कर लिया, पालती मार के बैठ गए इस तरीके से। अब अपने लेफ्ट पैर को वहीं पर छोड़ दीजिए, लेफ्ट एड़ी को राइट हिप के पास लेके आइए ऐसे, और अपने राइट हील को लेफ्ट नी के पास लेके आइए, तो कुछ ऐसा पैर हो जाएगा। आपका राइट नी जो है वो सीलिंग की तरफ है और लेफ्ट नी जो है वो फ्लोर पर है, हील जो है राइट हिप के पास है और आपकी राइट हील जो है वो लेफ्ट नी के पास है, ऐसा ये हो गया इस तरीके से। अब राइट पैर बुढ़ा हुआ है ना, तो राइट हाथ को सिंपली बॉडी के पीछे रख लिया ऐसा। और सबसे इजी तरीका, जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप नहीं हुई ना, तो उनके लिए भी अपने लेफ्ट हाथ को राइट नी पर रखें और फिर उसके बाद शोल्डर पर मेरे ध्यान दें, शोल्डर को रोल बैक करें ऐसे और गर्दन को पूरा पूरा पीछे घुमाते जाएं, स्पाइन को ट्विस्ट करते जाएं ऐसे। पेट पर आपके जो बहुत गहरा दबाव पड़ेगा, खिंचाव पड़ेगा, उसको महसूस करें, ब्रीद करें ब्रीद करें ब्रीद करें ऐसा। और फिर उसके बाद जब ये अभ्यास हो जाए, अगर इतने में कंफर्टेबल हैं तो कुछ हफ्तों के बाद अपने लेफ्ट हाथ को छत की तरफ खींचें, थोड़ा सा पीछे की तरफ झुकें और ट्विस्ट करें ऐसे। ट्विस्ट करेंगे तो आपके स्पाइन पे भी कट की आवाज़ आएगी और हाथ को आगे की तरफ खींचते हुए अपनी एंकल को पकड़ें एंड लुक बैक ऐसे, ब्रीद करें पूरा। तो कितनी देर तक रोकना है, 10 सेकेंड 30 सेकेंड ऐसे रोक के रखें और 3 सेट अभ्यास कर लें इसके। एक साइड अभ्यास हो जाए तो इसका अभ्यास दूसरी तरफ करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है ऐसा ऐसा। और फिर उसके बाद दूसरी तरफ भी इसी तरीके से हाथ को रखते हुए ऐसे पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ खींचे, पीछे की तरफ झुके और फिर कल को ग्रैब करें और पीछे देखें ऐसे, कंधों को ओपन करें ऐसे। और इसका अभ्यास जब आप होल्ड करें तो नॉर्मल ब्रीदिंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा देर तक होल्ड करके रखें। तो आपको पहला अभ्यास अच्छा लगे तो पहला अभ्यास कीजिए और दूसरा ट्विस्टिंग वाला अभ्यास अच्छा लगे तो ट्विस्टिंग वाला अभ्यास करें। अब जान लेते हैं, अर्ध मत्स्येंद्रासन का अभ्यास करते हुए भी बहुत से लोग गलती करते हैं। वो गलती क्या होती है कि आप जिस तरीके से जब आप बैठे हैं ना, तो कंधे को बिल्कुल आप इनएक्टिव रखते हैं, तो ऐसे पीछे देखेंगे बस ऐसे ऐसे। तो ऐसे करने में क्या मिला आपको, कुछ नहीं मिला, स्पाइनल कॉर्ड पर पेट पर कोई भी इफेक्ट नहीं आया। तो मैंने आपको क्या कहा है कि शोल्डर्स को रोल बैक कीजिए, चेस्ट को ओपन कीजिए और पूरा पीछे देखिए ऐसे। शोल्डर को रोल बैक करेंगे तो हार्ट मसल्स भी बहुत अच्छी तरीके से खींच रही हैं, गर्दन खींच रहा है, कंधे स्पाइन पेट सब ऐसा। तो इस प्रैक्टिस में ट्विस्ट होना बेहद ज़रूरी है। इस आसन का अभ्यास करने के बाद कुछ देर रिलैक्स करेंगे ऐसे शवासन में।
शवासन में आराम करना इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट। रेस्ट करें, दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखें। फिर उसके बाद हम कर रहे हैं अर्ध पवन मुक्त आसन का अभ्यास। राइट पैर को घुटने से मोड़ा, राइट थाई को बेली की तरफ लेके आ गए, उंगलियों को फंसाया और फिर उसके बाद पुल कर रहे हैं थाई को बेली की तरफ। ऐसे होल्ड कर रहे हैं 1, 2, 3, 4 नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और अगर आपको सांसों को रोकना है, सांस लिया और सांस को छोड़ दें, धीरे धीरे छोड़ दें, सांसों को रोकें, फिर उसके बाद पैर को छोड़ते हुए सांस को ले लें। यही अभ्यास दूसरी तरफ भी करें, 10 काउंट तक होल्ड करके रखें, इससे पेट को बहुत गहरी मसाज मिलेगी। ऐसा फिर उसके बाद जब ये अभ्यास हो जाए, इसको भी 3 बार अभ्यास कर लें, 10-10 काउंट तक रोक के रखें और फिर उसके बाद दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें, थाई को बेली की तरफ लेके आएं, पवन मुक्त आसन का अभ्यास करें, सांस लें और सांस छोड़ते हुए अपने माथे को घुटने की तरफ लेके जाएं ऐसे। फिर सांस ले लें, सांस लें, सांस छोड़ें, रोकें, फिर सांस ले लें एक बार और, सांस लें, छोड़ें, रोकें, सांस को भी पोस्चर को भी, फिर उसके बाद सांस ले लें और फिर उसके बाद शवासन में आराम से लेट जाएं ऐसे। तो देखा आपने कितनी आसानी से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इन योगासनों का अभ्यास सिखाया। आपको करना सिर्फ इतना है कि थोड़ा सा अपने बिजी शेड्यूल से कुछ वक्त अपने लिए निकालें और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगासनों का अभ्यास करें। मेरा प्रयास कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाने से पहले ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोज़ बनाऊँ। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके दोस्तों को भी बहुत लाभ देगी तो इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके उनको फॉरवर्ड कर दीजिए, उनको व्हाट्सएप कर दीजिए, जिससे कि उनका भी भला हो। निरंतर योग का अभ्यास करते रहिए, तभी आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे। अगली किसी वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। नमस्ते।